हरे कृष्णा ओम ज्ञान तिमिरां दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हम लोग श्री ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुंचे हैं ये स्थान का नाम छट्टी करा बोले छठी करा नाम क्यों पड़ा? जब कृष्ण ये जमलार्जुन वृक्ष को उन्होंने मुक्ति दिया भंजन किया ब्रजवासियों ने एक मीटिंग की बोले लगता है ये गोकुल हमारे रहने का लायक नहीं रह गया। पहले तो पुतना आ गई उसको बाद में तृणावर्त फिर सकटासुर अभी ये पेड़ अपने आप गिर गिर करके लाला के ऊपर टूट करके गिरने लगे मतलब यहाँ का पेड़ भी हमारी लाला की विरोध अभी ये पेड़ भी विरोध बन गया। अभी लगता है ये गोकुल हमारे रहने का लायक ही नहीं रह गया कल और चलाओ कर चले जाते। लेकिन जो सबसे बड़ा जो गोप था उपानंद बोले देखो ये पास में एक बड़ा सुंदर रमणीय स्थान है जहाँ पर बड़े सुंदर कलकलनाथ से जहाँ पर श्री यमुना बह रही है जहाँ पर श्री गिरिराज गोवर्धन है जहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े सुंदर मैदान है गैया को खाने के लिए हरी हरी घास है बड़े सुंदर पेड़ पौधा फूल लता पताओं से जो भरा हुआ श्री वृंदावन है। अगर आप लोग सभी का सन्मत हो ना हम सबके से वहां चलते। बोले कल क्यों आज ही चलो जाओ ब्रज में पूरा ढिंडरा पिटवा दो आज हम सबके सब गोकुल छोड़ करके श्री वृंदावन धाम जाएंगे। अभी जितने बड़े बूढ़े थे सबको बैलगाड़ी पर बैठा दिया जितने जवान थे सबके सब धनुष बाण लेकर के सबके सब गैया को लेकर चल पड़े। जब काली गैया चल रही थी क्योंकि नंद बाबा का ही नलाग धेनु है फिर और सबको ब्रजवासियों का कितने कितने धेनु है जब काली गैया चलती थी ऐसे लगता था मानो साक्षात यमुना नदी बह रही है जब सफेद गैया चलते थे लगता था जैसे गंगा नदी जैसे बह रही है। अभी एक बैलगाड़ी में कृष्ण बलराम और रोहिणी जसोदा बैठे हुए थे। अभी कृष्ण 3 साल 2 महीना के हैं अभी बच्चों का जैसे स्वभाव हो रास्ता में जो कुछ देखे पूछे बोले मैया ये कौन सा वृक्ष है बोले लाला इसका नाम बरगद वृक्ष है बोले मैया इसमें ताड़ी है बोले हाँ इसलिए बरगद वृक्ष है बोले मैया ये कौन सा वृक्ष सारे पत्ते हिल रहे बोले लाला ये पीपल का पेड़ है बोले मैया देख देख कितने सुंदर एक चिड़िया है कोहो 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 बोल करके बोल रहा है बोले मैया ये कौन सा चिड़िया है बोले ये कोयल है बोले मैया देख कितने सुंदर चिड़िया है कितने सुंदर चित्रकारी है बोले मैया ये चिड़िया का नाम क्या है बोले मोर बोले मैया एक का पूछ है और एक का पूछ नहीं ये क्या है बोले जो पूछ है ना ये पुरुष है जिसकी पूछ नहीं है स्त्री बोले मैया एक दूसरे क्या लगे हैं बोले लाला ये जो पूछ पूछ वाला का ना ये जो बिना पूछ वाली इसकी बहू लगती है इसकी बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए बोले मैया देख कितने सुंदर यहाँ पर पशु है कितने सुंदर चित्रकारी बोले मैया ये कौन सा जानवर है बोले इसका नाम हिरण है बोले मैया एक का तो सींग है और एक का सींग नहीं मैया ये क्या है बोले जिसका सींग है ये पुरुष है जिसकी सींग नहीं ये स्त्री है बोले मैया एक दूसरे को क्या लगे हैं बोले जो बिना सींग वाली ये सींग वाली की बहू लगती है।
बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है? बोले सबकी बहू, बोले मैया मेरे लिए भी एक बहू ला दे। इसलिए कन्हैया कभी कभी मैया के लिए बहू के लिए तरसती हैं। हैं कितने के भजन है ना, राधे से कोरी सी बिरज की छोरी सी मैया कराए दे मेरे ब्याह। इसलिए कभी कभी कृष्ण मचलते हैं, बोले मैया मेरे लिए बहू ला दे, लेकिन ये बहू मेरी कंधे तक होनी चाहिए और गोरी होनी चाहिए, और जब मेरे को ना थाला में भर भर कर खिलाए और मेरे कभी गोद में बैठा करके मैं प्यार दे। अगर मैं कभी लड़ पड़ू ना, इसलिए तेरे पास में शिकायत नहीं करनी चाहिए। इसलिए बड़े कृष्ण सुंदर, बड़े सुंदर कृष्ण कहते मेरे लिए ऐसे बहू ला दे। अभी आ करके ब्रजवासी कहाँ रुके, यहीं पर रुके। इसलिए छठीकरण नाम क्यों पड़ा है, बोले सकटम अर्ध चंद्रवत। सकट मतलब होता है बैलगाड़ी, उन्होंने बैलगाड़ी को अर्ध चंद्रवत करके, सकट को उन्होंने अर्ध चंद्रवत करके उन्होंने लगाया, इसलिए इसका नाम छठीकरण नाम पड़ा। और यहीं पर जब कृष्ण रहे, तब कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, ज्यादा उम्र नहीं, 4 साल की, इतने में कृष्ण मचलते हैं, बोले मैया एक दिन बोले पिताजी हम गैया चरवाने जाएंगे। बोले लाला हमारे घर में कोई दास दास का कोई अभाव थोड़ी है, अभी तो छोटे 4 साल का बच्चे हो, अभी क्या गैया चराओगे, हमारे घर में बहुत सारे दास दास की जरूरत नहीं। बोले पिताजी हम ग्वाला, हम गैया सेवा करना हमारा धर्म है, आप अभी बड़े बूढ़े हो गए हो, घर में बैठो अपनी भजन साधन करो, भगवान की भक्ति करो, हम बच्चे बड़े हो गए, अभी आप बड़े बड़े बूढ़े को काम करने का क्या जरूरत है। अगर किसी घर में बच्चे पिता माता को बोले आप बड़े बूढ़े हो गए हो, आपको कुछ करने का जरूरत है, हम बड़े हो गए हैं, हम घर का काम करेंगे, आप भजन करो, पता पिता माता क्या क्या भाव होगा, दिल इतना फूल जाएगा, दिल इतना प्रसन्न होगा, मेरे इतने सुंदर लाला हैं, कहते घर में बैठ कर भजन करो सारे काम था। नंद बाबा तो सुन करके उनका हृदय में आनंद समाया नहीं, लेकिन नंद बाबा ने कहा लाला अभी तो छोटो से है, तुम तो करने का जरूरत है। नहीं पिताजी हम तो जरूर हम गैया चरवाएंगे। तब नंद बाबा बोले देखो गैया चरवाने की जरूरत नहीं, पहले बछड़े को चरवाओ, चराने की जरूरत नहीं, थोड़ी आसपास जा करके घूम घाम करके आ जाना। तब बोले ऐसे नहीं, सांडिल्य ऋषि को पहले प्रश्न करते हैं, सबसे बढ़िया तिथि निकाली, बोले कार्तिक महीना में जो गोपाष्टमी का दिन बड़ा सुंदर मुहूर्त निकला, कृष्ण उसी दिन से कृष्ण बछड़ों को लेकर कृष्ण सखाओं के साथ में दाम वसुधा मिश्रिता मधुमंगल को लेकर के कृष्ण गोपाष्टमी का दिन ही बछड़ों को चराना शुरू किया। करते करते यही पर आए, जब यही पर आए एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में सख्य रहसे है, हैं तुम्हें कौन बड़े लोग, तुम्हें आम सम, तुम किस चीज के बड़े हैं, श्रीदाम कहता है कभी कभी, बोले तेरे पिताजी का तो 9 लख धनु, मेरे पिताजी का 11 लख धनु है, तुम किस चीज के बड़े हो। इसलिए एक दिन कृष्ण सखाओं को साथ में उन्होंने हसी दिलाई करते हुए बोले जानते हो मैं कौन हूँ, बोले हम जानते हैं नंद के लाला मक्खन चोर, घर घर में मक्खन चोरी करते हो और हमारे सखा तू है, बोले तुम लोग ग्वाल वाल तो हम क्या जानते हो, हम उसी सत्य युग में से जो नारायण जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा सृष्टि हुए और विश्व ब्रह्मांड को मैंने सृष्टि की, सत्य युग में जो वेद को जिस समय शंखासुर ने हरण करके ले गया, मैं ही मत्स्य बनकर के उद्धार किया, जिस समय पृथ्वी रसातल में चली गई, मैं वराह रूप बनकर के पृथ्वी को उद्धारण किया मैंने, इसलिए मैं वही नरसिंह हूँ, मैं वही राम हूँ। बोले कन्हैया तेरा डी घागना बड़ा स्वभाव है, तो बचपन से डी घागते रहते हो, हम तो कभी कभी हम तेरे को ही पछाड़ देते हैं, श्रीदाम भैया ने कहा तेरे को कभी कभी मैं स्वयं पछाड़ देता हूँ और तेरे छाती पर बैठ जाता हूँ, तो बड़ा डी घागता हो, इसलिए भगवान भगवान कुछ नहीं हमारे, तुम तो हमारा सखा हो। बोले देखा देखोगे, बोले क्या दिखाओगे, बोले अभी मैं तेरे को दिखाता हूँ। इतने में कृष्ण यही पर उन्होंने 12 हाथ को लेकर के कृष्ण यही पर उन्होंने 12 हाथ भुजाओं को उन्होंने प्रकट किया, जब भुजाओं को प्रकट इस जो मंदिर है इसका नाम गरुड़ गोविंद है, इसलिए जो विग्रह को वज्रनाभ ने, इसी विग्रह को वज्रनाभ ने स्थापन किया था। कभी काल क्रम में कभी मुसलमान लोग आक्रमण कभी कभी करते, हिंदू धर्म गोबर में ये जो तालाब आप लोगों ने देखा, कभी इसी तालाब में इसी ठाकुर को छोड़कर के चले गए, फिर यहाँ पर कोई एक साधु आए, उनको स्वप्न दिए, इसी तालाब में हम पड़ा हुआ हूँ, फिर वहां से निकाले। इसलिए यहाँ पर श्री कहते यद्यपि ब्रज में ऐश्वर्य तो सबसे ज्यादा ब्रज में प्रकट हुआ है,
अभी सिद्धांति महाराज वहां बोल रहे थे ना, ऐश्वर्य जितने ब्रज में प्रकट हुआ और कहीं भी इतना ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ। कृष्ण खेल खेल में उन्होंने पुतना को 6 दिन में मारे, 1 महीना में सकट असुर, 3 महीना में त्रिना बरत, और उन्होंने क्या क्या शेष साई रूप में उन्होंने नारायण रूप धारण किया, और उन्होंने वत्सहरण का समय में अप्रम स्तंभ उन्होंने नारायण नारायण दिखाया। सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो यही ब्रज में प्रकट हुए, लेकिन ब्रज प्रेम की एक अनूठा प्रेम है, अनूठा दिव्य प्रेम है। भले ही जितने ऐश्वर्य प्रकट होने पर भी, लेकिन कभी भी ब्रजवासियों के मन में कृष्ण के प्रति कभी भगवान बुद्धि नहीं हुआ। कहते हाँ ये कोई जादू टोना जानता है, कभी कभी आश्चर्य आश्चर्य दिखा देता है, लेकिन ये तो हमारी सखा है, ये तो हमारी सखा है। इसलिए कहते जो गरुड़ बनी है, गरुड़ को केवल इसी जीवन नहीं, उसको हर समय शंका रहती सखा है। बोले कैसे? कहते उन्होंने रामलीला में भी उनको शंका होगी, जिस समय भगवान को लक्ष्मण ने उनको सर्प क्या मेघनाद ने उनको नागफास बंधन में, जब नागफास बंधन में उनको बांध डाले, इतने में बोले कैसे ये बंधन है, इतना जोर जबरदस्त बंधन है, जब तक प्राण नहीं चले जाए तब तक उनको कोई भी नहीं छुड़ा सकता है, प्राण लेकर के तुम छोड़ेगा। इतने में बोले उसको कोई उपाय है? बोले केवल ये गरुड़ ही उसको नागफास बंधन से यही मुक्त कर सकता है। हनुमान रात रात गए बैकुंठ, और बैकुंठ से उन्होंने गरुड़ को उन्होंने बुला करके ले आए, और गरुड़ ने उसको नागफास बंधन को उन्होंने काट दिए। जब काट दिए, इतने में गरुड़ जी के मन में शंका हो गया, बोले भैया अगर ये मेरे प्रभु होते, अगर ये भगवान होते तो फिर मैंने आकर के ये बंधन को काटा तभी मेरे प्रभु मुक्ति प्राप्त किए, जो मेरे प्रभु है ये कैसे लीला है? अभी उसको मन में भगवान के प्रति शंका आ गया। देखो ध्यान से सुनो, शास्त्र में बताया विनश्यति, क्या विनश्यति? संशय आत्मा विनश्यति। कभी भी गुरु जी के ऊपर में, कभी भी वैष्णव के ऊपर में, कभी भी भगवान के ऊपर में शंका नहीं करनी चाहिए। ये चीज को अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो, कभी भी गुरु जी वैष्णव और ठाकुर जी के ऊपर में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए सती ने श्री शंकर जी के ऊपर मैंने शंका किया है, शंका करने का वजह से उनको शरीर त्याग लास्ट में देना पड़ा, लास्ट में शरीर उन्होंने त्याग दिया। इसलिए अगर कभी गुरु तत्व वैष्णव और कभी भगवान ऊपर शंका हो जाए ना, फिर तो समझो भजन भजन गया तुम्हारी, भजन भजन चौपट हो जाएगी तुम्हारी, फिर तो तुम्हारी भक्ति कभी बढ़ी नहीं सकती है। भक्ति धीरे 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 भक्ति वो धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। इसलिए गुरु वैष्णव भगवान के प्रति कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इसलिए गुरु जब उसको भगवान के प्रति शंका हो गया, अभी मन में शांति नहीं, मन में उसकी शांति नहीं, क्योंकि भगवान प्रति उनकी शंका होगी, अभी मन में अशांति है। इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी को पास में गई, बोले पितामह ब्रह्मा जी मेरे मन में बड़ी शंका हो गई, आप कृपा करके संशय को दूर करो। उन्हें देखा इनका बड़ा अभिमान है ना, हम पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है। बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता, पर शंकर जी को पास में गई। शंकर जी ने कहा भैया पक्षियों का भाषा तो पक्षी समझता है, पक्षियों का भाषा पक्षी समझ, तो पक्षी को पास में जाओ। बोले किसको पास में? बोले कहा कबू सुन, क्योंकि पक्षियों में चंडाल ये कौआ चंडाल सबसे है, इसलिए तुम ये काग भूसुंडी को पास में जाओ। जब उन्होंने काग भूसुंडी को पास में गया, बोले भैया तेरे जैसे मन में शंका है ना, मेरे मन में भी ऐसी शंका हो गई थी। बोले तुम्हारी मन में भी शंका हो गई थी? बोले कैसे? बोले कृष्ण जब बचपन में मालपुआ खा रहे थे, एक दिन मैं भी उड़ते हुए प्रभु के पास में आया तो इतने में जो भगवान राम छोटे बच्चे थे, उन्होंने मालपुआ मेरे तरफ में ऐसे बढ़वाया तो मैंने चोंच में पकड़ करके मालपुआ को मैंने खेंच ली। तो इतने में मालपुआ ले जाने पर अभी भगवान राम तो वहां करके रोने लग गए। इतने में मेरे मन में भी शंका हो गया, ये कैसे भगवान है, उनका हाथ से मालपुआ ले गया तो रो रहा है, अभी मेरे मन में भी शंका हो गई कैसे भगवान है, साधारण मालपुआ ले गया तो रो रहे, अभी मेरे मन में शंका हो गया तो अभी संशय आत्मा विनश्यति, भगवान समझ गए अभी मेरे ऊपर में इनकी डाउट हो गया ये भगवान है क्या नहीं, उनको डाउट हो गया। तो इतने में भगवान राम उनको अपना डाउट को दूर करने के लिए, राम उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाए तो इतने में
कौवा उड़ते गया तो उसको देखा, उसको पीछा, हाथ उसको पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। विश्व ब्रह्मांड में उसने चक्कर लगा दिया, घूम गया, लेकिन प्रभु राम उसका हाथ पीछा नहीं छोड़ रहा है। करते 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 उसने जब उसने थक गया, ऐसे धड़ांग करके गिरा तो गिरने का बाद फिर जब उसको होश आया ना, देखा भगवान राम फिर बैठ कर कोई परमात्मा का रहे, भगवान बैठकर मालुआ गा रहे हैं। पर जिन भगवान उसको सारी शंका को दूर कर दिया, देखो मेरे को साधारण मत समझो, क्योंकि नरबत है इनको जो लीलाबत, क्या सूत्र है, लोकबत लीला कई वल्लभ, इसलिए भगवान जो लीला कर रहे हैं वो लोकबत लीला कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले अनुग्रह भक्तानाम करोमि विविध क्रिया, भगवान अपना भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए भगवान ये लीला, नर बत नर जैसे नहीं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जह व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जो जन्म कर्म दिव्य अलौकिक और अप्राकृत है, अगर मेरे जन्म कर्म को दिव्यता को अगर कोई समझ जाए शरीर छोड़ने का बाद, फिर दो बार जगत में जन्म ग्रहण नहीं करना है। इसलिए कभी भी गुरु वैष्णव भगवान के प्रति कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अगर कभी शंका हो गई उनको पास में जाओ, अंदर में मत रखा करो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं, जिसे फोड़ा है ना, अगर डॉक्टर को पास में अगर फोड़ा हो गया किसी गुप्त स्थान में, अगर डॉक्टर को पास में तुम्हें जाकर नहीं बोला क्या होगा बताओ? किसी गुप्त स्थान में तुम्हारी फोड़ा होगी, डॉक्टर को पास में तो बता नहीं, फिर क्या होगा बताओ? वो धीरे 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 फोड़ा बढ़ते बढ़ते इतने भयंकर रूप धारण करेगा, पूरा शरीर को ही नष्ट कर देगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे, अगर कभी गुरु वैष्णव प्रति शंका हो, गुरु वैष्णव के पास में जाओ, अपना हृदय की बात उनको बताओ, हृदय में अगर कोई शंका है वो शंका को दूर करो और भगवान की भक्ति करते रहो। बांछा कल दुर्वेश कृपा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय।